लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व की छठा देश प्रदेश सहित भिलाई में भी देखी गई। शहर के सभी तालाबों के किनारे छठ घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने जहां रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं सोमवार की सुबह उगते सूर्य को फिर से अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न कराया। छठ महापर्व पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी सपरिवार सेक्टर 2 स्थित छठ तालाब पहुंचे और पूजा अर्चना कर अर्घ्य देने के बाद तालाब का भ्रमण कर सभी को छठ महापर्व की बधाई दी। इस बीच म्यूजिकल संध्या का भी आयोजन किया गया था। सारी शुभकामनाएं छठ माता आप सबकी ये मनोकामनाएं पूर्ण करें, जिनकी अपेक्षा लेकर के आप यहाँ पर आए हुए हैं। छठ त्योहार दुनिया के हर उस कोने में मनाया जाता है जहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वांचल वासी रहते हैं और ये विदेशों में भी लोग मनाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल फिर से भगवान भास्कर का उदय होगा और वे हम सबके जीवन में दुनिया में संपूर्ण मानव समाज के जीवन में से जो अंधेरा था उसको दूर करते हुए अपने प्रकाश से अपने ऊर्जा से सारी दुनिया को प्रकाश और इसलिए हम सब लोग शाम का अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज को और आप सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तो कुछ ही देर में भगवान भास्कर का उदय हो और हम सब उनको अर्घ दे के उनकी आराधना करें उनकी पूजा करें। आप सबको पूजा एक बार शिक्षक वहाँ पर ढेर सारी गजन ढेर सारी शुभकामनाएं जय छत्र।